ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରଥଯାତ୍ରା। ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବ। ଖାଲି ପୁରୀ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏମିତି କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ସେ ନିଜେ ଗୁଜରାଟରେ ଥିବାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ପିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି। हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं। अभी कुछ ही दिनों में 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने जा रही है। ओडिशा में पुरी की यात्रा से तो हर देशवासी परिचित है। लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पुरी जाने का सौभाग्य मिले। ସେହିପରି 1975ରେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। 1975ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତ ଇତିହାସର କଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ କିଶୋର କୁମାର ସରକାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ରେଡିଓରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବଜା ଯାଇନଥିଲା। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରାହତ ଯାଇପାରିନଥିଲା। 1975 କି ବାତ୍ ହେ, ଜୁନ୍ କା ବହି ସମୟ ଥା जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था, उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। क्रीड़ा क्षेत्र रे कृतित्व हासिल करितिबा व्यक्ति विशेषंकु मध्य प्रधानमंत्री प्रशंसा करिछंती। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मध्य प्रधानमंत्री प्रशंसा करि कहिछंती। नीरज फिनलैंड रो पाबो नुर्मी गेम्स रे रौप्य पदक हासिल करिछंती। निकट अतीत रे अनुष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे आम खिलाड़ी माने अनेक रेकर्ड हासिल करिछंती। सेपरी चलित मास क्रिकेट को अल्पिदा कहिथिबा महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज को प्रदर्शन मने पकाई तांको भविष्य जीवन पाई शुभ कामना जणाइछंती मोदी। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मिताली महज एक साधारण खिलाड़ी नहीं रही है, बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है। मैं मिताली को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्टार्टअप क्षेत्र रे देश आगो को बढ़ुथिबारु एहा निश्चित रूपे देश पई भलो सूचना। आज देश रे महाकाश क्षेत्र रे 100 रु अधिक स्टार्टअप होई गलाणी। ସେପରି କୋଭିଡ୍ର କୋପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେବା ସହିତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପିଏମ୍ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।